राजस्थान के शेखावटी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के चुनाव अभियान का बिगुल फूंका और सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सियासी गलियारों में तूफान मचाने वाली लाल डायरी का भी जिक्र किया और इसे कांग्रेस की लूट की दुकान का ताजा प्रोडक्ट बता दिया। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। पीएम ने दावा किया कि लाल डायरी चुनाव में कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगी। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र करके राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। हालांकि अशोक गहलोत ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने दावा किया कि ऐसी कोई डायरी नहीं है, सिर्फ हवा खड़ा किया जा रहा है। इस दौरान गहलोत ने लाल टमाटर का जिक्र करते हुए सवाल किया कि पीएम महंगाई पर क्यों नहीं कुछ बोलते। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कबूल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं थी, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असलियत पे आए, लाल टमाटर लाल है और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है, उसकी बात करते हुए कैसे मैं इनको राहत दे रहा हूँ वो बात नहीं करेंगे। गहलोत ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और दावा किया कि आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। जनता आज सिग्नल दे चुकी है सीकर के अंदर, तो जनता समझ गई है और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे से ठीक पहले केंद्र और राजस्थान सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि पीएम के कार्यक्रम से उनके भाषण को हटा दिया गया, इसलिए भाषण से पीएम का स्वागत नहीं कर पाएंगे। गहलोत ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के जरिए स्वागत नहीं कर सकूंगा। ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस ट्वीट के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट किया। पीएमओ ने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत आपको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और आपकी स्पीच भी इस प्रोग्राम में रखी गई थी, लेकिन आपके दफ्तर से हमें बताया गया कि आप कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएमओ की तरफ से यह भी साफ किया गया कि विकास कार्यों की शिला पट्टिका पर भी गहलोत का नाम लिखा गया है। ट्वीट में गहलोत से अनुरोध किया गया कि अगर हाल ही में लगी चोट के चलते उनको कोई असुविधा ना हो तो उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। पीएमओ के ट्वीट के बाद अशोक गहलोत ने एक और ट्वीट किया। इस दौरान उन्होंने समारोह के मिनट टू मिनट प्रोग्राम की कॉपी भी शेयर की और कहा कि वो अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। गहलोत ने ट्वीट किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था। कल रात को मुझे फिर से अवगत करवाया गया था कि मेरा संबोधन नहीं होगा। अभी भी मैं राजस्थान के हित के इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नॉन इंटरैक्टिव मोड पर शामिल रहूंगा। गहलोत के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गहलोत राजनीति कर रहे हैं। वो सरकारी कार्यक्रमों में भी राजनीति करते हैं, उनको राजनीति करने की आदत पड़ गई और वो इस प्रोग्राम में भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सीकर आकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को राशि ट्रांसफर कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना, उनको स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए सीकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की। साथ ही पीएम प्रणाम योजना और किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत भी की। आज देश में 1.25 लाख 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव और ब्लॉक लेवल पर बने इन पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ होगा।
इस दौरान उन्होंने राजस्थान के 5 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और 7 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। चुनावी साल में पीएम मोदी ने राजस्थान को 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की सौगात भी दी। दिल्ली के कंझावला केस में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला चलेगा। रोहिणी कोर्ट ने आज 4 आरोपियों पर कत्ल की धारा के तहत चार्ज फ्रेम किए। आरोपियों ने 1 जनवरी की रात को 20 साल की अंजलि को कार से करीब 13 किलोमीटर तक घसीटकर मार डाला था। 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद की रेस में उद्धव ठाकरे भी शामिल हो गए हैं। आज उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है और इस मौके पर जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें उद्धव ठाकरे को भावी पीएम बताया गया है। मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो आरएसएस और कुछ लोगों के ही प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है? मणिपुर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है? राहुल गांधी ने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा जैसे ही हमने ये नाम चुना नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को गाली देना शुरू कर दिया। हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। राजस्थान के सीकर में पीएम मोदी ने बीजेपी की तरफ से आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन के नाम नए नाम पर भी तंज कसा और कहा कि पहले कोई कंपनी बदनाम हो जाती थी तो नया बोर्ड लगाकर काम शुरू कर देती थी। विपक्षी दलों की जमात ऐसी ही फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्मा लोगों को याद ना आए इसलिए इन्होंने अपना नाम UPA से बदलकर INDIA कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की और आरोप लगाया कि इस गठबंधन को देश की परवाह नहीं है। अगर इनको वाकई इंडिया की परवाह होती तो क्या विदेश में जाकर के विदेशियों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या? अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति करता है इसलिए उनके मुंह से इंडिया की बात छलावा लगती है। जिनके लिए राष्ट्रहित नहीं बल्कि वोट बैंक सर्वोपरि है वे लोग आज जब INDIA की बात करते हैं तो दिखावा लगता है, छलावा लगता है, झूठ लगता है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलने के लिए महात्मा गांधी के क्विट इंडिया नारे का भी सहारा लिया और उसी तर्ज पर नया नारा गढ़ दिया। आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। जी न्यूज़।